हे एवरीवन, 10,000 वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फैंग ने एंसेस्टर सुजू की सारी इंजरी को हील कर दिया था। तभी एंसेस्टर सुजू ने लिन फैंग को बताया था एक लोटस प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि क्विन फैमिली के अंडर में आता था। लिन फैंग ये बात सुन करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो जो लोटस प्लेटफॉर्म होता है वो डिवाइन लैंड में जाने की की होती है। तभी लिन फैंग कहता है एंसेस्टर सुजू से कि आप मुझे जल्द से जल्द उस डिवाइन लोटस प्लेटफॉर्म की ओर लेके चलें। और वैसे भी जैसा कि क्विन फैमिली के लॉर्ड यानी कि सॉरी मॉडल ने मेरे ऊपर अटैक करने की और मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, अब वक्त आ गया है कि मैं उसका हिसाब किताब पूरा कर दूं। और तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग, एंसेस्टर सुजू, मिस यांग, मिस यून और वो लेडी गार्ड, वो सब लोग उस फ्लाइंग बोट पे बैठ करके क्विन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। और तभी लेडी गार्ड लिन फैंग से कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि वो जो क्विन फैमिली का लोटस प्लेटफॉर्म है ना, उसको स्पेशली गार्ड करने के लिए एंसेस्टर फॉर्मेशन को लगाया गया है। वो प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर उसका फॉर्मेशन एक बार एक्टिवेट हो गया, यानी कि क्विन फैमिली के एंसेस्टर का फॉर्मेशन एक बार एक्टिवेट हो गया, तो क्विन फैमिली के जो एंसेस्टर थे उनकी डिवाइन बॉडी वहाँ पे आ जाएगी और वो तुम पर अटैक करने लगी। क्या भी तुम वहाँ पे जाना चाहते हो? ये बात सुन करके लिन फैंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो चुपचाप खड़े होकर के लेडी गार्ड को देख रहा होता है, मगर हमारा शॉर्ट यांग वहाँ पे शांत नहीं होता है। वो तुरंत आकर के कहता है कि मेरे मास्टर एक असली मर्द है और मर्द कभी किसी से डरता नहीं है, और मेरे मास्टर अगर चाहे तो वो अपने एक ही हाथ से उन सारे एंसेस्टर की डिवाइन बॉडी को खत्म कर सकते हैं। यू समझ लो, अगर उन्होंने चुटकी बजाई तो वो सारी के सारे राख में बदल जाएंगे। यांग की बात सुन करके मिस यांग कहती है, क्या सच में साउथ यांग लिन फैंग इतना ज्यादा पावरफुल है? तभी वो लिन फैंग को काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देखने लगती हैं। तभी लिन फैंग साउथ यांग का मुंह वहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है, साउथ यांग अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम बहुत बोलते हो। तभी साउथ यांग कहता है, मास्टर मैं तो सही बोल रहा हूँ ना, आप मेरा मुंह क्यों दबा रहे हैं? वो इधर उधर घूमने लगता है और वो फिर से कहता है कि अरे कह रहा हूँ मेरे मास्टर एक असली मर्द है। तभी लिन फैंग साउथ यांग का मुंह सच में दबा देता है काफी तेज से। वो बेचारा कहता मास्टर मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दें। तभी ये सब लोग क्विन फैमिली के मेंशन के बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्विन फैमिली का जो मेंशन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तभी वहां पे दो खड़े हुए गार्ड जो कि क्विन फैमिली के होते हैं, वो कहते हैं, आखिर ये फॉर्मेशन क्यों एक्टिवेट हो रहा है? क्या यहाँ पे डीमंस हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं? तभी उसमें से दूसरा बंदा कहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, अगर वो हम पर अटैक भी करेंगे तो यहाँ पे 72 डिवाइन वेपन्स लगेंगे इस पूरे बैरियर को तोड़ने के लिए, और ये एंसेस्टर का बनाया हुआ फॉर्मेशन है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसे तो कोई भी डीमन क्लैन का बंदा नहीं तोड़ सकता है, और ना ही उसके पास 72 डिवाइन वेपन्स होंगे जो वो एक बार इसे इस्तेमाल कर पाए। और तभी उनमें से एक डिसाइबल ऊपर की ओर देखने लगता है और कहता है कि वो देखो हमारे तरफ कोई आ रहा है। दूसरा बंदा कहता है, हमें चल के मास्टर्स को ये सारी बात बता देनी चाहिए। तभी उसमें से एक बंदा कहता है, नहीं पहले हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर वो कौन है, क्योंकि वो मुझे एक फ्लाइंग शिप लग रही है और फ्लाइंग शिप पे कोई भी डीमन नहीं आता है। ये कह करके वो दोनों ही फॉर्मेशन के बाहर आ जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि वो वहाँ पे यांग फैमिली की एंसेस्टर उस फ्लाइंग बोट पे है। उसे ऐसे देख करके वो दोनों सोल्जर कहते हैं कि अगर आप हमें पहले बता देती तो हम आपका वेलकम करते, और आखिर आपको यहाँ पे कौन सा काम आ गया कि आप अचानक से आ गए हैं? तभी यांग फैमिली के एंसेस्टर सुजू कहती हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारे सॉरी मॉडल से मिलने के लिए आई हूँ, तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि ये इन्फॉर्मेशन जाकर के अपने सॉरी मॉडल को दे दो। ये बात सुन करके वो दोनों सोल्जर मिस सुजू के ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं, वैसे ही आपकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है और आप हमारे सामने खड़े होकर के यहाँ पे इतनी तेज आवाज में बात कर रही हैं, और कहते हैं कि अगर आप यांग फैमिली के एंसेस्टर सुजू ना होती तो अब तक आपकी जान हम यहाँ पे ले चुके होते। ये कह करके वो लोग उल्टा एंसेस्टर सुजू को धमकी दे रहे होते हैं, मगर जैसा कि हम जानते हैं एंसेस्टर सुजू की सारी इंजरी यहाँ पे हील हो चुकी है और इन गधों को अभी नहीं पता रहता है, और वो लोग यहाँ पे बेवजह एंसेस्टर सुजू से पंगा ले रहे होते हैं और एंसेस्टर सुजू का भी वहाँ पारा गर्म हो चुका होता है। वो तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज करती हैं, मगर तभी क्विन फैमिली का एक सोल्जर वहाँ पे भड़क जाता है और कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट कर ली, अब यहाँ पे तुम जान से मारी जाओगी। ये कह करके वो अपने स्पियर को आगे करता है और यहाँ पे एंसेस्टर सुजू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, पर दूसरा बंदा उसे रोक रहा होता है, कहता है भाई रुक जा, क्योंकि उसके स्पिरिचुअल ऑरा को तूने सेंस किया, मुझे लगता है एंसेस्टर सुजू की पावर वापस आ चुकी है। मगर वो बेटा अलग ही नशे में रहता है और वो यहाँ पे एंसेस्टर सुजू के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तरीके से रेडी हो चुका होता है। ये देख करके एंसेस्टर सुजू को हर्ट हो जाता है,
वो तुरंत अपने स्पिरिचुअल ऑरा को एक बार और रिलीज करती हैं और एक फायर बॉल उसकी ओर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है। तभी एंसेस्टर सुजु दूसरे बंदे से कहती हैं, क्या तुम भी यहाँ पे मरना चाहते हो? अगर नहीं तो तुरंत जाओ अपने सॉर्ड इमॉर्टल को बाहर बुला के लाओ, वरना मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को तबाह कर दूंगी, क्योंकि वो मुझे मारने के लिए आया था, वो भी मेरी फैमिली के से मिलकर के मुझ पर अटैक किया था। और ये कह करके वो तुरंत अपनी बोट से बाहर आ जाती हैं और कई सारे पाम अटैक से उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगती हैं, मगर उस फॉर्मेशन का बाल बाका नहीं होता है, क्योंकि अभी अभी एंसेस्टर सुजु की इंजरी हील हुई थी और उन्होंने कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाया भी नहीं था। और तभी सब चीज़ों को देख करके मेसियांग काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती हैं कि लिन फैंग, क्या आपको लगता है कि हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाएंगे? तभी लिन फैंग कहता है कि आप बेवजह परेशान हो रही हैं, ये सब तो मेरे लिए मामूली बात है। तभी लिन फैंग अपनी सॉर्ड यानी कि ब्रेजिंग को बाहर निकालता है, जो कि डिवाइन फ्लेम सॉर्ड होती है, उसे बाहर निकाल के कहता है कि ये सब सिर्फ एक चुटकी बजाने जैसा है। वो तुरंत ब्रेजिंग से उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही अटैक से वो फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके एमएस यांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि लिन फैंग, तुम हर बार मुझे हैरान कर देते हो। और तभी क्विन फैमिली का फॉर्मेशन जैसे डिस्ट्रॉय होता है, वहाँ पे खतरे की घंटी यानी कि बेल बजने लगती है, जिसकी वजह से कई सारे डिसाइबल वहाँ पे आ जाते हैं लिन फैंग उनके ऊपर अटैक करने के लिए। मगर लिन फैंग, मिस यांग और लेडी गार्ड नीचे उतर जाते हैं उस बोट से और उन सारे डिसाइबल्स को जान से मारने लगते हैं, जहाँ पे लेडी गार्ड अपने स्पीयर से उन डिसाइबल्स को जान से मार रही थी, साथ में मिस यांग अपने स्पिरिचुअल रूट से उन सारे डिसेबल्स को क्रश कर दे रही थी और उन्हें जान से मार रही थी। और लिन फैंग काफ़ी टेंशन में अपने सॉर्ड यानी कि ब्लेजिंग से एक एक स्लैश लगा करके उन सारे डिसेबल्स के दो दो टुकड़े कर दे रहा था, जैसे कि वो सिर्फ यहाँ पे खेल रहा हो। और वो काफ़ी आगे बढ़ते हुए अपना पैर जमीन पर पटकता और कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और अपने सॉर्ड इमॉर्टल से कहो कि चुपचाप आकर के यहाँ पे मुझसे बात करे, क्योंकि वो मुझे जान से मारने के लिए आया था और मैं उससे ही मिलने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पे क्विन फैमिली के तीन एल्डर आ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे किन फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा और आज हम तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे। ये कहकर के वो लोग उल्टा लिन फैंग को धमकी दे रहे होते हैं और कहते हैं कि बेहतर ये होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोग यहाँ पे अपनी मौत को दावत दोगे। तभी उन लोगों की नज़र एंसेस्टर सुजु पे पड़ जाती है, क्योंकि वो फ्लाइंग बोट से नीचे उतर आती हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मरना चाहते हो, इसी वजह से तुम लोग मेरे पवेलियन यानी कि यांग फैमिली के मेंबर से इस तरीके से बात कर रहे हो। तभी उन फैमिली का एक एल्डर कहता है, एंसेस्टर सुजु, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ पे आएंगी। और वो यहाँ पे एंसेस्टर सुजु का मजाक उड़ाने लगता है। तभी एंसेस्टर सुजु अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती हैं, जिसके ऑरा प्रेशर से ही वो तीनों एल्डर जाके काफ़ी दूर गिरते हैं और उनका दिमाग यहाँ पे ठिकाने में आ जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि एंसेस्टर सुजु की पावर यहाँ पे रिगेन हो चुकी है। वो एल्डर कहते हैं कि एंसेस्टर सुजु, आपने हमारे ऊपर अटैक करके अच्छा नहीं किया, हमारे सॉरी मॉडल आपको जान से मार देंगे। तभी एंसेस्टर सुजु कहती है कि मैं उससे ही मिलने के लिए आई हूँ। तभी एक एल्डर वहाँ से भाग करके सॉरी मॉडल को बताने जा रहा होता है और कहता है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं लिन फैंग कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी है। और वो अपनी फ्लेम से उसे पकड़ लेता है और वहाँ पर जलाने लगता है, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ये देख करके नीचे खड़े हुए दोनों एल्डर की हवा टाइट हो जाती है कि आखिर ये छोटा सा लड़का कैसे हमारे एल्डर को ऐसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पकड़ सकता है। तभी उन एल्डर का भी दिमाग ठिकाने में आ जाता है और वो लोग भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें बेहतर ये होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि अगर सॉर्ड इमॉर्टल यहाँ पे नहीं आए तो ये लड़का हमें भी चांस से मार देगा। इसलिए लिन फैंग अपनी डिवाइन फ्लेम से उस एल्डर को जला रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और कहता है चुपचाप जाकर के अपने सॉर्ड इमॉर्टल को यहाँ बुलाओ। और तभी वो दोनों भी एल्डर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लिन फैंग कहता है, मैंने तुम लोगों को भी यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी। और वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड से उन दोनों एल्डर को भी घायल करके ज़मीन पर पटक देता है और पहले वाले एल्डर को अभी भी वो अपनी फ्लेम से जला रहा होता है। और तभी वो कहता है कि सॉर्ड इमॉर्टल, उस दुल्हो की तरह अपने पैलेस में छुप करके मुझे देख रहे हो, बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे पूरे के पूरे क्विन फैमिली को तबाह कर दूंगा और साथ में इन एल्डर्स को इतनी बुरी मौत दूंगा कि ये फिर से जिंदा होने के लिए भी 10 बार सोचेंगे। और ये कहकर के वो तीनों एल्डर को टॉर्चर कर रहा होता है। साथ में जो ज़मीन पे गिरे हुए एल्डर होते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उन लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा रहा होता है और साथ में जो एल्डर को हवा में उसने अपने डिवाइन फ्लेम से पकड़ा था उसे जला रहा होता है। तभी एल्डर चिल्ला चिल्ला के कहता है, सॉरी मॉर्टल, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, वरना ये लड़का हमें चांस से मार देगा। एल्डर को यूँ तड़पता हुआ देख करके लिन फैंग कहता है, ज़रा और तेज चिल्लाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सॉरी मॉर्टल जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। और तभी वहाँ पर सॉरी मॉर्टल भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सीधा आकर के हमारी क्विन फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया,
है। उसे देख करके सारे एल्डर खुश हो जाते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं। वहाँ पे खड़े डिसाइबल्स भी सॉर्ड इमॉर्टल को देख करके ग्रीट कर रहे होते हैं। सॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पवेलियन में आकर के हम पर अटैक कर दिया। तभी नीचे खड़े हुए सारे एल्डर कहते हैं कि सॉर्ड इमॉर्टल प्लीज़ इस लड़के को आप पनिश करें क्योंकि इसने आकर के हमारे पूरे सेक्ट को तबाह कर दिया है। तभी सॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि पिछली बार तुम बच गए थे बट इस बार नहीं बचोगे। और वो जो एल्डर होता है जिसे एन फैंग ने अपनी डिवाइन फायर से कैप्चर किया था वो तो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा होता और वो कहता है कि सॉर्ड इमॉर्टल प्लीज़ इस लड़के को आप जिंदा जाने मत दीजिएगा। इस लड़के को यहाँ पे इस तरीके से मारिएगा कि ये फिर से पैदा होने के लिए 10 बार सोचेगा। और वो उल्टा लिन फैंग का ही डायलॉग उस पर चिपका रहता है। फिर लिन फैंग उसकी ये बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और अपनी डिवाइन फ्लेम की पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर देता है। साथ में ही लिन फैंग अपनी स्पिरिचुअल हैंड को वहाँ पे समन करता है। एक जायंट सा स्पिरिचुअल हैंड सीधे आकर के उस एल्डर को पंच मार देता है और सीधे ज़मीन में लेकर के घुसा देता है जिसकी वजह से वो एल्डर उड़ भी नहीं पाता है। ये देख करके सॉर्ड इमॉर्टल तुरंत अपने डिवियर को बाहर निकालता है और लिन फैंग की ओर थ्रो कर देता है। ये देख करके लिन फैंग भी अपने स्पिरिचुअल हैंड को फिर से समन करता है और वो तुरंत उस डिवाइन लोटस की तरफ अपना स्पिरिचुअल हैंड को थ्रो कर देता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है। और वहाँ पे खड़े हुए लोग ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि सॉर्ड इमॉर्टल के स्पीयर को लिन फैंग के स्पिरिचुअल हैंड ने रोक करके रखा है। और तभी वो लोग देखते हैं कि लिन फैंग के स्पिरिचुअल हैंड ने सॉर्ड इमॉर्टल के उस डिवाइन स्पीयर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। ये देख करके मिस यून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वो दौड़ते हुए आकर के कहती है मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि लिन फैंग के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि उन्होंने अपने एक स्पिरिचुअल हैंड से सॉर्ड इमॉर्टल के इस जायंट से डिवाइन स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कह करके मिस यून काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी साउथियान वहाँ पर आता है और कहता है जैसा कि मेरे मास्टर के पास गोल्डन बॉडी है इसकी वजह से मेरे मास्टर किसी भी डिवाइन वेपन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सुन करके मिस यांग और मिस यून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और तभी फैंग आगे बढ़ता है और कहता है सॉर्ड इमॉर्टल तुम्हें आज मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता है। वो अपनी एनर्जी जनरेट करता है और 1000 सॉर्ड फॉर्मेशन को समन करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पावर क्या होती है। ये कहकर के सारे स्पिरिचुअल सॉर्ड सॉर्ड इमॉर्टल की तरफ थ्रो कर देता है जिसकी वजह से सॉर्ड इमॉर्टल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसके चारों तरफ कई सारी सॉर्ड उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। सॉर्ड इमॉर्टल सिर्फ अपने सामने एक शील्ड बना करके उन सारे सॉर्ड को डॉज कर रहा होता है मगर तभी हम देख पाते हैं कि वो शील्ड भी देर तक टिक नहीं पाती है और यहाँ पे लिन फैंग की जो स्पेशल सॉर्ड होती है सॉर्ड इमॉर्टल के उस बैरियर को तोड़ देती है जिसकी वजह से सॉर्ड इमॉर्टल पिलर से जाकर के टकरा जाता है जिसकी वजह से फैमिली के एंसेस्टर के द्वारा बनाया हुआ फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तभी सॉर्ड इमॉर्टल लिन फैंग से कहता है अगर हिम्मत है तो तुम मेरे पीछे आकर के दिखाओ और वो दौड़ करके तुरंत पिलर पे जाकर के खड़ा हो जाता है और उसके फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। लिन फैंग भी उसका पीछा करते हुए फॉर्मेशन के बीचों बीच में आ जाता है और ये देख करके सॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि अब तुम्हें मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है क्योंकि ये सॉर्ड इमॉर्टल का जो एशियन फॉर्मेशन होता है वो उसने एक्टिवेट कर दिया था और उस एशियन फॉर्मेशन को सिर्फ सॉर्ड इमॉर्टल ही कंट्रोल कर सकता था। और तभी सॉर्ड इमॉर्टल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली आज मैं इस फॉर्मेशन से इस लिन फैंग को जान से मार दूंगा और जो यांग फैमिली है वो मेरी हो जाएगी। ये कहकर के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि भले ही इस लड़के के पास बहुत ज़्यादा पावर क्यों ना हो आज मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं लिन फैंग भी अपनी ब्रेजिंग को बाहर निकाल करके सॉर्ड इमॉर्टल के जस्ट सामने खड़ा हो जाता है और सॉर्ड इमॉर्टल उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है। ये देख करके लिन फैंग कहता है कि यहाँ पे तुम कितनी भी कोशिश कर लो आज मैं तुम्हें जान से मार करके ही रहूँगा। और सॉर्ड इमॉर्टल उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने के बाद कई सारे किलिंग फॉर्मेशन हर एक पिलर के ऊपर बना देता है जिसकी वजह से वो लिन फैंग को चारों तरफ से किलिंग फॉर्मेशन से घेर लेता है। लिन फैंग इस चीज़ को देख करके अभी भी वहीं बीचों बीच में खड़ा होता है और कहता है कि लगा था कि तुम यहाँ पे अपनी कोई एशियन टेक्निक को परफॉर्म करने वाले हो मगर मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसी तुच्छ सी फॉर्मेशन मेरे खिलाफ यूज़ कर रहे हो। तभी सॉर्ड इमॉर्टल अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है जिसकी वजह से वो पिलर के पास जो भी फॉर्मेशन होते हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगते हैं और देखते देखते एक जायंट सा फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है जिसे देख करके मिस यांग एकदम हैरान हो जाती हैं और काफ़ी डर जाती हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।